फिल्म फाइटर, जो अभी तक बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही थी, अब इसी को लेकर कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म में हमारे एयरफोर्स के जाबाज फाइटर पायलट्स की कहानी दिखाई गई है, लेकिन एक सीन ऐसा आता है जिससे हमारे जाबाज नाराज हो गए हैं और फाइटर के मूवी मेकर्स को लीगल नोटिस भेज दिया गया है। दरअसल फिल्म के एक सीन में ऋतिक और दीपिका एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहने एक दूसरे को किस करते नजर आए थे। अब इंडियन एयरफोर्स के असम में पोस्टेड विंग कमांडर सौम्यदीप दास ने इस सीन पर ऑब्जेक्शन उठाते हुए स्टारकास्ट और डायरेक्टर को नोटिस भेजा है। उनका कहना है कि एयरफोर्स की यूनिफॉर्म केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि यह हमारे देश की रक्षा के लिए त्याग, अनुशासन और अटूट समर्पण की निशानी है, और ये किसिंग सीन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म का अपमान है। किसिंग सीन के वक्त दोनों एयरफोर्स के सैनिक होते हैं और उनका यूनिफॉर्म में यह हरकत करना बिल्कुल गलत है। लीगल नोटिस में यह भी कहा गया है कि इस पवित्र प्रतीक का इस्तेमाल फिल्म में रोमांटिक एंगल दिखाने के लिए करना गलत है। यह हमारे देश की सेवा में अनगिनत जवानों की डिग्निटी को डीवैल्यू करता है। एयरफोर्स के जवानों से डिसिप्लिन और डेकोरम की उम्मीद की जाती है और ये सीन उन्हें अपनी यूनिफॉर्म और ड्यूटी के प्रति इररिस्पॉन्सिबल और डिसरिस्पेक्टफुल दिखाता है। विंग कमांडर सौम्यदीप दास ने फाइटर के मेकर से इस सीन को हटाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मेकर्स को एयरफोर्स और उसके जवानों से दुनिया के सामने माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी मांग रखी है कि फिल्म मेकर्स लिखित में दें कि भविष्य में वो एयरफोर्स के जवानों और यूनिफॉर्म का इस तरह से अनादर नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।